गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और आप एक कूलर लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। कूलर ख़रीदने से पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके का कूलर आपको परचेज़ करना है और इसमें क्या कुछ फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ना, ये कूलर जिसका रिव्यू मैं आपको करा रही हूँ, ये कूलर मोस्ट ट्रेंडिंग कूलर्स में से एक है, जिसका नाम है रैम्बो 150 लीटर कूलर, जिसकी वाटर कैपेसिटी 150 लीटर की है और मॉडल इसका रैम्बो है, कंपनी इसकी नोवा मैक्स है। जी हाँ, ये कूलर जो है ना 150 लीटर वाटर की कैपेसिटी के साथ दिया गया है। इसमें और भी कई सारे मॉडल हैं जैसे कि 100 लीटर की, 75 लीटर का, और ये वाला जो है ना ये 150 का है। ऑलमोस्ट फीचर्स जो है ना सेम ही है, सिर्फ वाटर कैपेसिटी कम और ज़्यादा रेट के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ मॉडल इसका इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जो कि बाकी कूलर से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। अभी मैं पास से जाके आपको दिखाऊंगी। इसकी जो बॉडी आप देख रहे हैं, ये जो है ना ये सॉलिड प्लास्टिक की बॉडी है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क करती है, मतलब टिकाऊ है। एक बार अगर आप इसे ख़रीद लेते हैं तो ये काफ़ी टाइम तक चलने वाला है। मैं इसके बेनिफिट भी बताऊंगी और इसमें क्या कुछ कमियां हैं मैं वो भी बताऊंगी। तो आपको जो है ना ओवरऑल इस वीडियो में बने रहना है ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से पता चल जाएँ। सो हम बात कर रहे थे बॉडी का। सो बॉडी जो है ना वो इसकी सॉलिड प्लास्टिक की है और कलर इसका डार्क ग्रे है, ये ब्लैक नहीं है। जी हाँ, डार्क ग्रे है। तो साइड से जो है ना वो इस तरीके के आपको जिगजैग टाइप का आपको यहाँ पर साइड से मॉडल मिल जाएगा और बैक साइड जो है ना वो हनीकॉम्ब है, जिसे मैं अभी डिटेल में आपको दिखाने वाली हूँ। फ्रंट जो है ना वो कुछ इस तरीके का इतना ओपन है। सबसे पहला क्वेश्चन, इतना बड़ा कूलर है तो क्या इसमें बहुत तेज़ आवाज़ आती है? तो अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ, इस वीडियो में ये कूलर अभी चल रहा है और हाई स्पीड के साथ इसे मेंटेन किया गया है। हाई स्पीड पे चल रहा है, आप मेरी वॉइस को क्लियर सुन सकते हैं। प्लस इसकी जो वॉइस है वो सिर्फ इतनी ही है, मतलब इससे ज़्यादा तेज़ नहीं होगा, ये हाई स्पीड पर है। फ्रंट पर आप देख सकते हैं दो बटन यहाँ पर दिए गए हैं। जो फ्रंट पहला वाला है वो पंप का दिया गया है, जिससे आप वाटर को अच्छे से पंप कर सकते हैं। और साइड वाला जो बटन आपको दिख रहा है वो जो दिया गया है, वो दिया गया है हाई, मीडियम और लो स्पीड के साथ। तो इसके ये फीचर्स अच्छे हैं। इसमें कमी क्या है, इसमें स्विंग का ऑप्शन नहीं दिया गया है, आप एयर को सिर्फ स्ट्रेट ही इंजॉय कर सकते हैं, इसमें स्विंग वाला ऑप्शन नहीं है। सेकेंड चीज़, इसका एयर फ्लो काफ़ी अच्छा है जो कि काफ़ी तेज़ हवा देता है और काफ़ी अच्छे से कूलिंग भी करता है। अब बात करते हैं इसकी दूसरी कमी की। इसमें क्या है कि आपको नीचे हवा बहुत ही माइनर लगेगी, ज़्यादा आपको हवा नहीं लगेगी। बेड के जो है ना, जो बेड का लेवल है वो उस लेवल पे ही हवा देगा, बट आपको नीचे ज़मीन पे, फ्लोर पे आपको हवा नहीं लगेगी। ये इसका जो है ना कमी है। अब बात करते हैं इसमें पानी भरने की। पानी हम कहाँ से भर सकते हैं? फ़ैन के जस्ट नीचे आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। एक यहाँ से आप पानी भर, दूसरा जो आप देख सकते हैं वो यहाँ से पानी भरा जाएगा, इस जगह से। यहाँ से आप आइस क्यूब वगैरह भी डाल सकते हैं, डायरेक्ट पाइप से भी पानी डाल सकते हैं, एक आप यहाँ से पाइप के थ्रू पानी डाल सकते हैं। पानी डालने के तीन जगह यहाँ पर दिए गए हैं। अब इसमें कमी क्या है, अगर आपके पास पाइप की सुविधा नहीं है, मतलब अगर आपके पास मोटर की सुविधा नहीं है, तो पाइप आप अगर मग से पानी डाल रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि इसमें पानी जो है ना वो बहुत ही थोड़ा थोड़ा जाएगा और बाकी पानी जो है ना वो नीचे फैल जाएगा। सो यहाँ पे एक ये चीज़ मुझे कमी लगी। पानी को एग्ज़िट कहाँ से करें, मोस्टली लोगों को यही नहीं मिल रहा है जिन लोगों ने परचेज़ किया। तो आपको पानी का एग्ज़िट भी दिखा देते हैं। सबसे पहले तो आप बैक साइड से देख लीजिए। बैक साइड से कुछ इस तरीके से पूरा फुल्ली कवर किया गया है, जिसका ये चीज़ मुझे अच्छा लगा। बिल्कुल भी एरिया इन्होंने नहीं छोड़ा है, पूरा एरिया कवर है हनीकॉम से, जो कि काफ़ी अच्छी कूलिंग करता है। पास से आपको दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। आप देख सकते हैं पानी कोने कोने में जा रहा है और पूरा ओवरऑल ये कूलिंग कर रहा है। आप देख सकते हैं पानी अच्छे से जा रहा है। पानी को एग्ज़िट कहाँ से करेंगे, एक्स्ट्रा वाटर है तो एग्ज़िट कहाँ से होगा, ये देखिए लास्ट में नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो आपको दिया गया है, यहाँ से आप एक्स्ट्रा पानी या फिर क्लीनिंग का पानी यहाँ से आप निकाल सकते हैं। कुछ इस तरीके का मॉडल दिया गया है। तो बैक साइड ये फुली कवर है। इसको मैंने 2023 में परचेज़ किया है, अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो 2024 में है, मतलब एक सीज़न मैंने इसको अच्छे से यूज़ किया है और ये काफ़ी अच्छा एयर फ्लो देता है। आप देख सकते हो अभी हमारे यहाँ सब सो रहे हैं, ये देखिए
ये जो है ना सर्विसिंग की कुछ लोगों को दिक्कत आ रही थी कि अगर हम इसे ऑनलाइन परचेज करेंगे तो इसकी सर्विस कहाँ से कराएंगे, तो इस तरीके का एक स्टिकर लगा हुआ आता है, इसके में टोल फ्री नंबर दिया होता है, टोल फ्री नंबर के साथ अगर आप कॉल करेंगे तो आपकी सर्विस जो है ना वो प्रोवाइड हो जाएगी, घर में आके इसको सर्विस कर जाएंगे। वैसे मुझे एक साल हो गया इसे यूज़ करते हुए, तो इसे मुझे अभी सर्विस कराने की कोई ज़रूरत पड़ी नहीं है। मोटर जो है ना इसका स्टिकर लगा हुआ है, कॉपर का मोटर यहाँ पर दिया गया है, अभी मैंने अंदर नहीं देखा है कि ये कॉपर का है या एल्यूमिनियम का है। सो मार्केट में जो है ना ऑनलाइन अगर आप इसे परचेज़ करेंगे तो अप्रॉक्स मुझे 17,000 का ये पड़ा है, और मैंने इसे अमेज़ॉन से परचेज़ किया है। अगर आप ऑफ़र चलते रहते हैं, कम या ज़्यादा रेट वगैरह इसके आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, अमेज़ॉन वगैरह से आप चेक कर सकते हैं, मैंने वहाँ से परचेज़ किया है। और लास्ट ईयर मैंने इसे लिया था। वाटर लेवल की कैपेसिटी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे व्हील के साथ ये दिया गया है, फ्लेक्सिबल है, बहुत ही ईजिली आप इसे यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हैं। तो और एयर फ्लो जो है ना वो काफ़ी तेज़ है। कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे कि ये इतना बड़ा कूलर है और इतना महंगा है तो क्या ये एसी के जैसे कूल करता है। एसी की कूलिंग काफ़ी अलग होती है और इस कूलर की कूलिंग जो है ना वो काफ़ी अलग होती है। एक नॉर्मल कूलर की तरह ये भी कूल करता है, बट स्पीड थोड़ा ज़्यादा है और ये ज़्यादा एरिया को कवर करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने कूलर लगाया है, बैक साइड से जो है ना हमने इसे ओपन करके रखा है, मतलब बालकनी में रखा है, ताकि अच्छे से प्रॉपर से पूरी हवा मिलती रहे। सो ये काफ़ी अच्छे तरीके से कूल करता है। और भी क्वेश्चंस इस कूलर से रिलेटेड अगर आपको हैं, हाँ एक चीज़ मैं और बता दूँ, ये इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर दूँ कि ये जो सीलिंग फ़ैन है ना, ये 5 सीलिंग फ़ैन के अकॉर्डिंग ये अकेले जो है ना वो बिजली लेता है। यहाँ पर आप कुछ चीज़ें इसके फीचर्स देख सकते हैं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके इसकी चीज़ें जो है ना वो चेक कर सकते हैं। मॉडल इसका रैम्बो है, कलर इसका डार्क ग्रे है, कैपेसिटी वाटर की 150 लीटर है, पावर सप्लाई जो है ना वो कुछ इस तरीके का है। स्क्रीनशॉट लेके आप इसका डिटेल चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा बताइएगा नीचे कमेंट करके। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ ऐसी किसी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे।